नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास सीरीज में। मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं सीरीज में। और इतिहास सीरीज आपकी लगातार चल रही है और आज की क्लास में हम यहाँ पे गुप्त साम्राज्य को हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य के जितने भी सम्राट या जितने भी राजा हुए हैं, सभी को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इसका जो शासन काल था 320 से लेकर के 455 ईस्वी तक लगभग इसका राजनीतिक काल चला है। और जिसमें सबसे पहले गुप्त साम्राज्य, जिसमें सबसे पहले श्री गुप्त हुए हैं और उसके बाद घटोत्कच गुप्त, उसके बाद हुए हैं चंद्रगुप्त प्रथम। इनका जो कार्यकाल था, यानी गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक इनको कहा गया है, और इनका कार्यकाल जो 319 से प्रारंभ हुआ था। इसके बाद हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त, जिनको उपाधि पराक्रम या श्री विक्रमदित्य के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। इसके बाद हम जानेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में और कुमार गुप्त, और उसके बाद स्कंद गुप्त इत्यादि के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। थंबनेल में आप देख ही चुके हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं बीच में नहीं कहता हूँ सारी चीज़ों को, तो आप लोग समझदार हैं। और आशा करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है और थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हम लोग जब एक बड़े परिवार में होंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे देखते हैं, कुषाण साम्राज्य के खंडर पर नए साम्राज्य का प्रभाव हुआ, जिसने अपना आधिपत्य पाषाण और सातवाहन दोनों के राज क्षेत्रों पर स्थापित किया। यह गुप्त साम्राज्य था और इसके संपूर्ण उत्तर भारत को 320 से लेकर के 455 ईस्वी तक एक सदी के ऊपर राजनीतिक एकता के सूत्र में इसको बांधा गया। तो जैसे कि अभी जस्ट मैंने बताया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि श्री गुप्त सबसे पहले, इनका शासनकाल आता है, और उसके बाद आते हैं घटोत्कच गुप्त, जो दोनों ही स्वतंत्र शासक नहीं थे। इसके बाद बात करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम, जिनको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, यानी गुप्त संवत जो कि 319 से प्रारंभ हुआ है, और ये जो है गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक इनको कहा गया है, किनको? चंद्रगुप्त प्रथम को। इसके बाद हम बात करते हैं समुद्रगुप्त प्रथम, इनकी उपाधि पराक्रम श्री विक्रम के नाम से भी जाना जाता है और उपनाम भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है। इसके बाद शासनकाल को सत्ता संभालने वाले व्यक्ति आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, और इनका जिनकी उपाधि विक्रमादित्य के नाम से भी इनको जाना जाता है, विक्रमादित्य उपाधि से इनको सम्मानित या परिभाषित किया गया है। और इसके बाद हम बात करते हैं गुप्त काल का स्वर्ण युग, इन्हीं के काल में इनको ही कहा जाता था, और चीनी यात्री फारियान जो है इन्हीं के शासन काल में आया था, ठीक है। उसके बाद हम गुप्त कुमार गुप्त, जो प्रथम कुमार गुप्त हुए हैं, उनके बारे में जानेंगे, और इनकी उपाधि महेंद्रादित्य उपाधि थी और ये नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कहे जाते हैं। इसके बाद हम जानेंगे स्कंद गुप्त उपाधि, जिनको विक्रमादित्य हूणों का आक्रमण इन्हीं के काल में हुआ और गुप्त संवत का अंतिम शासक कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी, श्री गुप्त शुरू करते हैं हम श्री गुप्त से, और इनका जो शासनकाल हुआ है 240 से लेकर के 280 ईस्वी तक। प्रभावती गुप्त के पूना स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में श्री गुप्त का उल्लेख गुप्त वंश के अभिराज के रूप में मिलता है, में इसका गोत्र धारण बताया गया है। धारण इसका शासन जो है 280 ईस्वी तक रहा है। श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण की थी। इत सिंह के अनुसार श्री गुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया तथा मंदिर के लिए 24 गांव दान दिए थे। यानी 24 गांव दान दिए थे। अब हम बात करते हैं घटोत्कच गुप्त, यानी 280 से लेकर के 319 ईस्वी इनका लगभग शासन काल था। लगभग 280 ईस्वी से ईस्वी में गुप्त श्री गुप्त ने घटोत्कच को अपना उत्तराधिकारी बनाया और घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की थी। प्रभावती गुप्त के पूना एवं रिद्धमपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम शासक बताया गया है। आगे हम देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम, इनका जो शासनकाल था 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक।
ये इम्पोर्टेंट फैक्ट डेटे हैं क्योंकि ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा सीधी सीधी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इनका क्रम पूछा जाता है कई बार, इनको मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। कुमार जो जो गुप्त साम्राज्य था, इनके जो शासन काल थे, इनका सही क्रम क्या था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पूछा जाता है परीक्षा में। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध शासक हुआ और श्री गुप्त व घटोत्कच महाराज कहलाते थे। वही चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। गुप्त वंश में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने रजत यानी चांदी को मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ कराया था। तो इम्पोर्टेंट ये फैक्ट है कि जो चांदी के सिक्के थे वो किस शासन काल में चले, तो ये चंद्रगुप्त में चले थे, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ये सिक्के कॉइन चलाए गए थे जो कि चांदी के सिक्के थे, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम महाराज शासक हुआ क्योंकि उसने 319 से 20 ईस्वी में अपने राज्यारोहण की स्मृति को गुप्त संवत चलाया था, तो इसलिए इनको भी जाना जाता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे हम देखते हैं जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे शासन और उसके बाद उपाधियां, किसको क्या उपाधियां दी गई थी। तो नंबर एक में देखते हैं श्री गुप्त, जो आदिराज या फिर महाराज की उपाधि से जाने जाते थे, और दूसरा है घटोत्कच जो कि महाराज के नाम से जाने जाते थे या महाराज की उपाधि थी इनको, और तीसरा है चंद्रगुप्त प्रथम जो कि महाराजा धीराज के नाम से ये उपाधि थी इनके ऊपर, और अगले हैं चौथे नंबर पे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है पराक्रम की उपाधि इनके पास थी, और इसके बाद आते हैं आपके पास पांचवें नंबर जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य विक्रमांक की उपाधि, और इसी के साथ छठवें आते हैं कुमारगुप्त जो महेंद्रादित्य की उपाधि थी। इसके बाद सातवें नंबर पर आते हैं स्कंदगुप्त जो कि शक्रादित्य यानी शक्रोपम की उपाधि धारण की थी इन्होंने। चलिए आगे हम देखते हैं इसी में ही। तो ये जो गुप्त साम्राज्य है और उसका जो शासन काल भारत में कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, तो यहाँ पे हम देखते हैं पांडे है, मंदौर है, और चोर वंशी, कावेरी नदी का जो है आपका वो इलाका है, चोल पल्लव। तो इस तरीके से इनका जो पूरा है बेबीपुर जो आपका जो असम वाला क्षेत्र है, और ये पूरा का पूरा भारत वर्ष पे इन्होंने पूरा जो है कब्जा कर रखा था। अच्छा खासा इनका साम्राज्य था, ठीक है। तो आपका मतलब नीचे से लेकर के ऊपर तक यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो कुल मिला के ये पूरा साम्राज्य इनका था जिसमें अहिच्छत्र और बिलसगढ़, श्रावस्ती, कन्नौज, कपिलवस्तु, अयोध्या, कुशीनगर, वैशाली, काशी, पाटलिपुत्र, लिच्छवी, नालंदा और राजगिरी, बोधगया, ताम्रलिपि, और ये सारी चीज इनके क्षेत्र थे। खारिज, रजक, राजक, ठीक है, देवगढ़, कौशाम्बी, नचना, एरड़, पद्मावती, उदयगिरी, सांची, उज्जैनी, नर्मदा सख, दसपुर, मालवा, ठीक है, बल्लभी। तो ये सारा इनका सिंधु का क्षेत्र भी उधर चले जाएंगे, तो अर्जुनयान, औधे और सतलुज जो है ये सारा जो क्षेत्र था, लाहौर है आपका, जलंधर हो गया, तो इस सारे क्षेत्र पर जो है इनका कहीं ना कहीं साम्राज्य स्थापित था। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं समुद्रगुप्त जो कि 335 से लेकर के 380 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा, और जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी यानी समुद्रगुप्त जो कि 335 से लेकर के 380 ईस्वी ने चंद्रगुप्त राज्य का अत्यधिक विस्तार किया, और उसके दरबारी कवि हरिसेन ने अपने आश्रयदाता के पराक्रम का उदांत वर्णन किया है। समुद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त द्वारा विजित क्षेत्र को 5 समूह में बांटा जा सकता है, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहला जो समूह है प्रथम समूह जो कि मैं गंगा यमुना दोआब के शासक हैं जिन्हें पराजित कर उसने या उसके राज्य गुप्त साम्राज्य में मिला लिया था। तो पहला है आपका गंगा यमुना दोआब के शासक हैं, ठीक है, जिन्हें पराजित कर उसने राज्य गुप्त राज्य को सम्मिलित कर लिया था, गुप्त राज्य में इन्होंने मिला लिया था अपना, ठीक है। दूसरा है आपका द्वितीय समूह जो कि पूर्वी हिमालय के राज्यों और कुछ सीमांतवर्ती राज्यों के शासक हैं, जैसे नेपाली, असम, बंगाली आदि के शासक, ठीक है, तो इस पर भी इन्होंने अपना विजय स्थापित करके अपने साम्राज्य में इसको मिला लिया था। तीसरा समूह जो है आपका वे आटविक राज्य यानी जंगली क्षेत्र में स्थित राज्य थे जो विद्य क्षेत्र में
पढ़ते थे, यानी विंध्यांचल क्षेत्र में जो पढ़ते थे, राष्ट्रीयकान में विंध्य जो हम कहते हैं ना, तो वही वाला क्षेत्र है। आगे हम देखते हैं चतुर्थ समूह में पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासक हैं जिन्हें पराजित कर छोड़ दिया गया था। समुद्रगुप्त तमिलनाडु में कांची तक पहुंचा, जहां इसने पल्लवों से अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार कराई, यानी जो पल्लव राजा थे वहां पे भी अपनी जो है सत्ता को स्वीकार करवाया। और हम देखते हैं अगला जो स्टेप है, पांचवा पॉइंट यानी पांचवा समूह है, जिसमें शकों और कुसाणों के नाम हैं और जिनमें से कुछ अफगानिस्तान में राज्य करते थे। ऐसा कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने उन्हें पदच्युत कर दिया तथा सुदूर देश के शासकों को अपने अधीन कर लिया था। एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के राजा वेदवर्मन ने गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अब हम देखते हैं इलाहाबाद की प्रशंसात्मक अभिलेख से प्रतीत हो कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। उसने अपनी बहादुरी एवं युद्ध कौशल के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि भारत का नेपोलियन जो है किसको कहा जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे देखते हैं, बी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। किसने? बी एस स्मिथ ने। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, कई बार आपको ये पूछा जाएंगे, बी एस स्मिथ ने जो है समुद्रगुप्त को यहाँ पे नेपोलियन की उपाधि दी थी, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं समुद्रगुप्त द्वितीय, जो कि इसका जो शासनकाल था, तो इसका शासनकाल था 380 से लेकर के 412 ईस्वी तक। समुद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी कन्या प्रभावाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से कराया था, जो ब्राह्मण जाति का था, ठीक है, तथा मध्य भारत में शासन करता था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यानी जो इसकी पुत्री थी जिसका नाम प्रभावती था, इसका जो विवाह था बाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से कराया, जो ब्राह्मण जाति का था तथा मध्य भारत में शासन करता था। आगे हम देखते हैं इसी में ही बाकाटक राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव स्थापित कर लिया, क्योंकि इसने अपनी पुत्री की शादी कर दी, विवाह कर दिया, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से उस पर शासन ना स्थापित कर चुका था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा और गुजरात पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया था तथा वहां के 400 साल पुराने शक क्षत्रपों के शासन का अंत किया और चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया। तो यहां पे कई बार ये पूछा जाता है कि कौन सा शासक है जिसने उज्जैन को द्वितीय क्या राजधानी बनाया, इसको उज्जैन को द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, यानी जो चंद्रगुप्त द्वितीय था इसने किसकी उपाधि धारण की थी, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण की थी। यह उपाधि इससे पूर्व 57 ईस्वी में उज्जैन के शासक ने पश्चिमी भारत में शक छपत्रों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट सारे फैक्टर हैं। आगे हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय ने 2 रजत मुद्राओं यानी सिल्वर कोन का सर्वप्रथम प्रचालन करवाया था और चंद्रगुप्त के सिक्कों पर देवश्री लिखा हुआ है, यानी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि देवश्री जो सिक्के प्रचलित थे जिसमें देवश्री लिखा हुआ था, तो वो किसके द्वारा चलाए गए थे, तो ये आपको ध्यान में रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ये सिक्के जारी किए गए थे, ठीक है। आगे हम देखते हैं चंद्रगुप्त के सिक्कों पर देवश्री लिखा हुआ था और महरौली से प्राप्त एक लौहे स्तंभ में चंद्र नामक शासक की पहचान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से की जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय का उज्जैन स्थित दरबार कालिदास और अमर सिंह जैसे बड़े बड़े विद्वानों से विभूषित था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये जो कालिदास और अमर सिंह जैसे बड़े बड़े विद्वान किसके शासनकाल में थे, तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन का कालिदास और अमर सिंह जैसे महान विद्वान हुए हैं, तो इन्हीं के शासनकाल में ये इनके ही राज्य के व्यक्ति थे, ठीक है। आगे हम देखते हैं चंद्रगुप्त के समय में चीनी यात्री फाइयान, तो यहाँ पे चीनी यात्री फाइयान किसके शासनकाल में आया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाइयान, जो कि 399 से लेकर के 414 ईस्वी
भारत में आया था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गुप्त साम्राज्य का शासक बना, ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका पुत्र जो था कुमारगुप्त प्रथम यह साम्राज्य का शासक बना। और आगे हम देखते हैं कुमारगुप्त द्वितीय यानी कुमारगुप्त प्रथम महेंद्रादित्य की इसको उपाधि दी गई थी, और इसको जो शासन काल है वो 415 से लेकर के 455 ईस्वी तक इसका शासन काल माना जाता है। चलिए आगे हम देखते हैं, उसकी मुद्राओं पर श्री महेंद्र महेंद्रादित्य आदि उपाधियां अंकित थीं, और उसके स्वर्ण सिक्कों पर उसे गुप्त कलाम चंद्र एवं प्रतिकूल व्योमशशि कहा गया है। तो स्वर्ण मुद्राएं किसने किसके शासन काल में चली, तो कुमारगुप्त, जिसको महेंद्रादित्य भी कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो जो मुद्राएं थी उसमें क्या लिखा होता था, उसमें जो है आपका क्या लिखा होता था, इसमें ये लिखा होता था महेंद्रादित्य उपाधि अंकित होती थी, जो इसकी उपाधियां थी उस पर अंकित होती थी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं शक्रादित्य, शक्रातित्य जो कि कुमारगुप्त की उपाधि महेंद्रादित्य के समानार्थी माना गया है, और कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। तो ये भी इम्पोर्टेंट एक पॉइंट बन जाता है कि अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया, तो ये कुमारगुप्त ने करवाया था। अश्वमेध प्रकार की मुद्रा भी चलाई थी इसने, और कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दो पॉइंट आ जाते हैं आपके, अश्वमेध युद्ध जो यज्ञ था वो कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था, स्वर्ण मुद्राएं का जो प्रचलन था वो इसी के शासनकाल में हुआ था, और दूसरा तीसरा मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो भी ये कुमारगुप्त शासनकाल में ही इसको बनाया गया था, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, विश्वविद्यालय में समय की माप के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। जब विश्वविद्यालय में टाइमिंग वगैरह को देखा जाता तो वहाँ पे जल घड़ी का उस समय उपयोग किया जाता था, ठीक है। और प्रत्येक छात्र एवं छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षा से गुजरना पड़ता था। जो भी प्रवेश लेते थे तो वहाँ पे क्या है एंट्रेंस एग्जाम होता था, जिसको हम प्रतियोगी परीक्षा कहते थे, और उसके बाद उनका प्रवेश वहाँ विश्वविद्यालय में किया जाता था। आगे हम देखते हैं कुमारगुप्त के समय मैं सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं और जिनकी संख्या लगभग 18 है। तो ये पूछा जा सकता है कि गुप्तकालीन अभिलेख से प्राप्त हुए अभिलेख प्राप्त हुए उनकी संख्या कितनी है, तो 18 आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और समय में गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा देर बनाया गया मुद्रा भंडार राजस्थान के भरतपुर जिले में है और प्राप्त हुआ है, और जहाँ से हमें 623 मुद्राएं मिली। कितनी मिली है, 623 मुद्राएं मिली, और जिसमें मयूर शैली की मुद्राएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस शैली में चांदी की कुछ मुद्राएं सबसे पहले मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई थी, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और फैक्ट हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिले हैं। अगर बात की जाए अभिलेख कितने मिले, तो 18 मिले हैं, और मुद्रा भंडार राजस्थान के भरतपुर में जहाँ पे आपको 623 मुद्राएं मिली हैं, ठीक है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इस शैली में चांदी की प्रमुख मुद्राएं जो सबसे पहले मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये जो हर बार परीक्षा में आपको देखने को मिलती ही मिलती है। चलिए हम आगे देखते हैं, कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया, और इसका उल्लेख है स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में मिलता है। कुमारगुप्त ने इसे इन्हें पराजित करने के लिए अपने युग पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा। स्कंदगुप्त पुष्यमित्रों को पराजित करने में सफल भी हुआ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी जो आपके यहाँ पे हम कहेंगे कि जो कुमारगुप्त ने इन्हें पराजित किया, किनको, जो पुष्यमित्र नामक जातियाँ थी इनको जो है इसने पराजित किया। अब हम बात करते हैं स्कंदगुप्त, जिसको शक्रादित्य की उपाधि से भी नवाजा गया और जाना जाता है। इसका शासन काल जो है 455 से लेकर के 467 ईस्वी तक इसका माना जाता है, और स्कंदगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम और प्रतापी शासक था। का होम अभिलेख से विदित होता है कि इसके शक्रादित्य इसको शक्रादित्य शास की उपाधि धारण की गई थी, और हूणों का गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में। अब यहाँ पे हूणों का जो आक्रमण है ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा अंडरलाइन या फिर उसको अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हूणों का जो गुप्त साम्राज्य में आक्रमण हुआ तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो महत्वपूर्ण घटना थी। श्वेत हूणों को पूर्व हूणों की भांति भी कहा जाता था, जिन्होंने
हिंदू उस पार कर कांधार प्रदेश पर आक्रमण किया तथा गुप्त साम्राज्य के कुछ भाग पर अपना अधिकार भी स्थापित कर दिया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट है क्योंकि हूणों का जो आक्रमण था वो आपका स्कंद गुप्त के शासनकाल में हुआ था और इन्होंने क्या हुआ था, हिंदू कुश पार करके गांधार प्रदेश पर आक्रमण किया और कुछ साम्राज्य अपने भाग पर उस पर अधिकार भी कर लिया था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट था। चलिए आगे हम देखते हैं। स्कंद गुप्त ने केवल एक युग सैन्य संचालक था अपितु एक आदर्श प्रशासनक भी था। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उसने सौराष्ट्र प्रांत में पर्णदत्त को अपना राज्यपाल नियुक्त किया था। पर्णदत्त को अपना राज्यपाल नियुक्त किया था और इस लेख में गिरनार के प्रशासक चंद्रपालित द्वारा सुदर्शन झील की बांध के पुनर्निर्माण का वर्णन भी मिलता है। तो इम्पोर्टेंट है ये सुदर्शन झील जो है ये पुनर्निर्माण इसके शासनकाल में हुआ था, तो स्कंद गुप्त के शासनकाल में मिलता है, ठीक है। और चक्रपालित द्वारा इसका जो है क्या करवाया गया था, प्रशासक थे चक्रपालित, ठीक है ना, और इनके द्वारा इसका वर्णन मिलता है। अब हम देखते हैं हेनसान ने नालंदा संगाराम को बनवाने वाले शासकों में शक्रावित्य के नाम का उल्लेख किया है जिसमें स्कंदगुप्त द्वारा नालंदा संगाराम को सहायता देने का प्रमाण भी मिलता है। स्कंदगुप्त ने चीन के साथ मित्रतापूर्वक संपर्क बनाए रखा तथा 466 ईस्वी में एक राजदूत को चीन के सांग सम्राट के दरबार में भी भेजा था, ठीक है। तो ये जो है आपका कौन सा शासक जो है आपका चीनी यानी हेनसान के साथ जो है इसकी मित्रतापूर्ण संबंध हुए, यानी किस जो है आपके राजदूत को यानी क्या भेजा था सम्राट के पास, एक मित्रतापूर्वक क्या भेजा था इन्होंने संपर्क बनाने के लिए, एक व्यक्ति को भेजा था जो राजदूत को चीन की सांग सम्राट के दरबार में इसने भेजा था, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट भी फैक्ट आपका बन जाता है। आगे हम देखते हैं स्कंद गुप्त के उत्तराधिकारी। अब यहाँ पे स्कंद गुप्त के उत्तराधिकारी कौन हुए, तो इसके उत्तराधिकारी हुए पुरुगुप्त जो कि 467 से लेकर के 476 ईस्वी तक ये कुमार गुप्त प्रथम का पुत्र तथा स्कंद गुप्त का सौतेला भाई था। संभवतः स्कंद गुप्त संतानहीन था और उसके बाद सत्ता पुरुगुप्त के हाथों में आई, ठीक है। तो भीतरी मुद्रा लेख में उसकी माता का नाम महादेवी अनंत देवी तथा पत्नी का नाम चंद्र देवी मिलता है। चूंकि वह वृद्धावस्था में शासक हुआ अतः उसका शासन अल्पकालीन रहा। उसके समय में गुप्त साम्राज्य की अवनति प्रारंभ हो गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं कुछ। अब हम बात करते हैं कुमार गुप्त द्वितीय जो कि पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी था। इसका पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी जो था आपका कुमार गुप्त द्वितीय सारनाथ से प्राप्त संबत 154 अर्थात 473 का उसका लेख मिलता है जो बौद्ध प्रतिमा पर खुदा हुआ है। सारनाथ लेख में भूमि रक्षति कुमार गुप्त उत्कीर्ण मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बुद्धगुप्त की। बुद्धगुप्त जो है आपके बुद्धगुप्त गुप्त संबत 157 से लेकर के 477 ईस्वी उसका सारनाथ से लेख मिला है और यह उसके शासनकाल की ज्ञात तिथि है। दामोदरपुर ताम्र पत्र में उसे परम भट्टारक महाराजा धीराज कहा गया है और बुद्धगुप्त ने 477 ईस्वी से लेकर के 495 ईस्वी तक शासन किया था। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में बुद्धगुप्त सबसे अधिक शक्तिशाली शासक था और जिसने एक विस्तृत प्रदेश पर शासन किया। स्वर्ण मुद्राओं पर बुद्धगुप्त को श्री पेंसान के विवरण से ज्ञात होता है और वह अंतिम गुप्त सम्राट था जिसने हिमालय से लेकर के नर्मदा नदी तक, मालवा से लेकर के बंगाल तक के विस्तृत भूभाग पर अपना शासन कायम किया था। अब हम बात करते हैं नरसिंह गुप्त जो कि बालादित्य के नाम से भी इसको जाना जाता है और यह है बुद्धगुप्त का छोटा भाई था जो उसकी मृत्यु के बाद शासक बना। भीतरी मुद्रा लेख से नरसिंह गुप्त की माता का नाम महादेवी चंद्र देवी मिलता है जबकि हूड़ नरेश मिहिरकुल
बड़ा क्रूर और अत्याचारी था। इंसान की विवरण से पता चलता है कि उसने मगध के शासक बालादित्य पर आक्रमण किया, किंतु पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। बालादित्य ने अपनी माता के कहने पर उसे मुक्त भी कर दिया था। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आगे हम देखते हैं, नरसिंह गुप्त बौद्ध मतानुयायी था। उसने बौद्ध विद्वान बसुबंधु को शिष्यता ग्रहण की थी और नालंदा मुद्रा लेख में नरसिंह गुप्त को परम भागवत कहा गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे परम भागवत किसको कहा गया है, तो ये चीज़ जो है आपको नरसिंह गुप्त को परम भागवत भी कहा गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखते हैं, भानुगुप्त। भानुगुप्त का एरर से एक प्रस्तर स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, और जो कि यह 510 ईस्वी में कहा गया है। और इस लेख में इसमें मित्र गोपराज का उल्लेख है, जिसकी हूणों के विरुद्ध भानुगुप्त की ओर से युद्ध करते हुए मृत्यु हो गई थी, तथा उसकी पत्नी अग्नि में जलकर सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य भी हो गई थी। ठीक है, तो ये सती प्रथा का उस समय जो है सती प्रथा का साक्ष्य भी यहाँ से मिलता है, जो कि भानुगुप्त के शासनकाल से इसको देखा जाता है, यानी जो गुप्त काल था उसमें ये प्रमाण भी मिलता है। बुधगुप्त के बाद पूर्वी मालवा में जो हन सत्ता स्थापित हुई और उसी का अंत करने के लिए भानुगुप्त ने है युद्ध किया और उसे सफलता प्राप्त हुई, जिसमें उसको सफलता प्राप्त हुई और इस युद्ध की स्वतंत्र संग्राम की संज्ञा भी दी जाती है। अब हम देखते हैं बैन्य गुप्त को। आगे हम पढ़ेंगे बैन्य गुप्त। इसमें क्या है, इसके विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत गुड़धर बांग्लादेश को कौमिल्ला में स्थित एक ताम्र पत्र, जो कि गुप्त संवत 188 अर्थात यानी कि 507 से ईस्वी का है। गुड़धर ताम्र पत्र में उसके दो प्रांतीय शासकों विजयसेन रुद्रदत्त के नाम से मिलते हैं, तथा इनमें बौद्ध विहार के लिए कुछ भूमि दान किए जाने का भी वर्णन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट रखनी है याद। आगे हम देखते हैं कुमारगुप्त द्वितीय। नरसिंह गुप्त के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त द्वितीय मगध का शासक बना और भीतरी एवं नालंदा मुद्रा लेखों में उसकी माता का नाम महादेवी मित्र देवी मिलता है। दामोदरपुर में पांचवें ताम्रपत्र में किसी शक्तिशाली गुप्त राजा का उल्लेख मिलता है, जिसकी उपाधि परम दैवत या परम भट्टा रक महाराजाधिराज मिलती है और उसके नाम का केवल प्रथम अक्षर कु प्राप्त है। अतः इस शासक को कुमार गुप्त तृतीय ही मानना चाहिए। इस लेख की तिथि गुप्त संवत यानी कि 224 से लेकर के 224 अर्थात 543 ईस्वी है। विष्णुगुप्त, अब हम देखेंगे विष्णुगुप्त को। यहाँ पे कुमारगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था और नालंदा से प्राप्त एक मुद्रा लेख में विष्णुगुप्त का लेख मिलता है, जो संभवतः उसका पुत्र था और 550 से ईस्वी तक राज्य करता रहा। इसके बाद गुप्त साम्राज्य पूर्णतः छिन्न भिन्न हो गया। ठीक है, तो ये था पूरा गुप्त साम्राज्य का इतिहास, जिसको हमने समझने का प्रयास किया। आगे हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य का पतन किस कारणों से हुआ। तो यहाँ पे इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित होने के बाद इसका जो पतन हुआ, उनके मुख्य कारण क्या क्या थे।